नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और चलिए अब रुक करेंगे हिमाचल की खबरों का। बड़ी खबर आपको शिमला से बता दें, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास विभाग बढ़े हैं। उनके पोर्टफोलियो में अब सहकारिता विभाग भी शामिल किया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब डिप्टी सीएम के पास 4 डिपार्टमेंट होंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पोर्टफोलियो में अब और विभाग जो है वो बढ़ाए गए हैं। एक और विभाग यानी सहकारिता विभाग अब उनके पोर्टफोलियो में जोड़ा गया है। इसी के साथ अब 4 विभाग दरअसल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास हो गए हैं। तो इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास सहकारिता विभाग भी होगा। एक और विभाग की जिम्मेदारी अब उन्हें सौंपी गई है। तो ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री के विभाग जो है वो और भी ज्यादा बढ़ाए गए हैं। पोर्टफोलियो में सहकारिता विभाग भी अब शामिल किया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास में दरअसल 4 विभाग होंगे। तो पहले से ही 3 विभाग मुकेश अग्निहोत्री संभाल रही है, लेकिन अब 4th विभाग सहकारिता विभाग अब उनके पोर्टफोलियो में जुड़ गया है। तो कुल 4 विभाग की जिम्मेदारी है जो मुकेश अग्निहोत्री अब संभालेंगे। तो पोर्टफोलियो में ये जो है बड़ा बदलाव किया गया है, विभाग जो है वो बढ़ाए गए हैं। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे शिमला ब्यूरो इस समय फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पोर्टफोलियो में विभागों का इजाफा हुआ है, सहकारिता विभाग भी अब उन्हें दिया गया है, ये बड़ी जिम्मेदारी अब डिप्टी सीएम के पास है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को सहकारिता विभाग देकर दी गई है और ये काफी महत्वपूर्ण विभाग है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सहकारिता यहाँ पर बहुत बड़े विभाग के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि हिमाचल को अभी भी सहकारिता आंदोलन का झंडा बरदार कहा जाता है। तो ऐसे में ये एक अपने आप में एक बड़ा डिपार्टमेंट है। हालांकि डिप्टी सीएम के नाते इनके पास केवल 3 ही विभाग थे, जिसमें परिवहन विभाग और उसके साथ साथ भाषा एवं संस्कृति विभाग और जल शक्ति विभाग, ये 3 महत्वपूर्ण विभाग थे। लेकिन ये भी जानकारी है कि डिप्टी सीएम ने सहकारिता विभाग की डिमांड भी खुद की थी कि इस विभाग को भी मुझे दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें इनका भी जो रुचि है इस विभाग में काफी। तो इस वजह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सहमति दी और उसके बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना जारी करके ये सूचना जारी की है कि इनके पोर्टफोलियो में अब सहकारिता विभाग भी होगा। तो एक जिम्मेदारी बड़ी दी गई है और जब इनको ये नया पोर्टफोलियो उसमें ऐड किया गया तो उसके बाद राज्य सचिवालय में इनसे मिलने वाले लोग भी पहुंचे, उनको बधाई भी दी इस डिपार्टमेंट के लिए। और हमेशा से ही यहाँ पर हिमाचल में एक परंपरा भी रही है कि जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं या डिप्टी सीएम है अब, तो उनको ज्यादा डिपार्टमेंट बाकी मंत्रियों से ज्यादा डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। तो अब तक इनके पास केवल 3 विभाग थे और अब 4 विभागों का कामकाज देखेंगे। जी अवंतिका, बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस समय दरअसल अब 4 विभाग है जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री संभालेंगे। इससे पहले 3 विभाग उनके पास पहले से ही थे, लेकिन अब एक और विभाग उनके पोर्टफोलियो में जुड़ गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अब सहकारिता विभाग का कार्यभार भी संभालेंगे।